तो इशारा फरमाते तो जन्नत की चीजें सैयदा के घर आ जाती। लेकिन अबू दौशरी में लाया हूं सैयदा चक्की पी के आपने हाथ मुबारक उन्होंने नुकसान होया झाड़ू दे के और पानी खैच खैच के जनाब कुआं बिचों ते सैयदा हजूर के कोल चलिया गई तो बंदे बैठे सन ते आपने गल न की थी। फिर हजरत आयशा सिद्दीका को आईया तो उन्होंने दसिया कि मैं कोई गुलाम आए वैन ते लौंडियां हजूर को ते मैं आई सी कि मदद वास्ते कि हजूर मैंने कोई लौंडी दे देन कोई खादिम दे देन बारो पानी भर के लिया कोई लौंडी देन घर के कम काज करन। तो फरमांदिया उस वेले मैं गल कोई ना की थी कि बंदे बैठे सन रसूलुल्लाह को इतने बेबाक हो के मुजाकरे च औरत बैठ दिया मुजाकरे आप क्या कहती हैं आप क्या कहते हैं और दीन के बारे में मुजाकरा हो रहा है जिनका आंचल न देखा माहो मेर ने। आप नबी अलैहिस्सलाम घर तशरीफ लाए फिर सैयदा के घर चले गए रात देर नाल हुजूर नु प्यार ही इतना सी हजरत सैयदा ना और हजरत सैयदा फातिमतु जहरा रजी अल्लाह तआला अन्हा के बारे में हदीस पाक में मौजूद है कि जिस तरह रसूलुल्लाह चलते थे ना हजरत सैयदा भी ऐसे ही चलते थे। हजरत सैयदा फातिमतु जहरा फरमाती हैं कि हम अपने अपनी चारपाइयों पर लेटे हुए थे तो हुजूर आ गए हम खड़े होने लगे तो हुजूर ने फरमाया नहीं नहीं आप आराम करो। तो कहते हैं मुझे हुजूर ने पूछा आप क्यों आई थी तो कहा अब्बा जान वो काम काज कर करके घर के भी सारे मामला बाहर के भी और ये तो मैं मेरे हाथ ऐसे और ये हदीस पाक के अल्फाज हैं वो सारे। तो हुजूर ने फरमाया बेटी आपसे पहले तो बदर के यतीम आ गए थे वो सारा माल तो मैंने उनको दे दिया फिर इस्लाम आएगा तो फिर इंज तो नहीं होगा जन्नती औरतों दियाँ सरदार होवन ते इमामुल अंबिया दी साहबजादी होवन ते हसन ते हुसैन दी अम्मी जान होवन ते मौला कायनात दे निकाह विच होवन क्यों जी ये सारिया शान भी होवन ते हुजूर बदर दे यतीमां नूं तरजीह दे देवन। ये इस्लाम किसी नूं वारिस आया जी नहीं वारिस इस वास्ते इसलिए नहीं दिन रात इस्लाम के खिलाफ बातें करते हैं उनको मसला ही ये है। तो आपने फरमाया बेटी ये तो नहीं है मैं आपको एक वजीफा बताता हूं। आपने फरमाया कि सोने से पहले 33 बार सुभान अल्लाह पढ़ लिया करो 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाह अकबर पढ़ लिया करो। इसी को तस्बीह फातिमा भी कहते हैं और मौलाए कायनात अली मुर्तजा रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं जब से हुजूर ने यह वजीफा हजरत सैयदा को बताया तो अली ने इस वजीफे को सोने से पहले कभी नहीं छोड़ा। यानी इस वजीफे में पावर मुराद है मौला अली फरमाते इसमें पावर है इसमें ताकत है आप शुरू करें तो आपको पूरा पढ़ने नहीं देगी नींद आ जाएगी और नींद कहेगी कि ये पूरा पढ़ लेगा तो फिर तो इसकी सेहत बहाल हो जाएगी ये तो ठीक हो जाएगा। मौला अली फरमाते जिंदगी एक बारी में पहले टाइम नहीं पढ़ सकिया जंगे सिफी ने जंग लड़दिया लड़दिया रात का आखिरी पैर हो गया तो मैं तस्बीह फातिमा ना पढ़ सकिया आखिरी जाके टाइम मैं याद आया तो उस वेले मैं तस्बीह फातिमा पढ़ा। ये बातें हैं इस्लाम की जो किसी को भी बारे में नहीं है और इस निजाम मुस्तफा को लाने के लिए तैयार कोई नहीं है कि जिन्हें दिया धीया दे 10 अरब डॉलर दी एक कंपनी बन जाए उन्होंने बेटियों को कभी सैयदा की सीरत पढ़ाई होती तो उनको पता होता क्यों जी जिनका आंचल न देखा माहो मेर ने। अगर अपनी बेटियों को नाम साथ लेकर दुनिया के सामने बेटी को सामने कर रहा है कि मुझे नहीं तो इसको देखकर वोट दे दो मुझे दोबारा चौथी बार वजीर आजम बना दो तो इनको क्या पता है कि जिनका आंचल न देखा माहो मेर ने जी इनको क्या पता है इन बातों का ना इनको ये तो गालियां देते हैं दिन रात इस्लाम के खिलाफ जो हम हमारे खिलाफ जो बातें करते हैं ना ये नहीं करते कि हम कोई मुजरिम हैं या हमने कोई डकैतियां की हैं कहते हैं ये असली दीन क्यों पेश करता है।